Asalaamu As Alaikum, students, welcome to your class. Today we are going to discuss the nature of excretory products in relation to the habitat of animals. Today's topics are excretion of ammonia, excretion of urea, and excretion of uric acid. As you know, the, in animals, the nature of nitrogenous waste reflects its phylogeny and habitat. कि किस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें किस टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होगा ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है उसकी ही ग्रुप पे कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है और सेकंड कि उसका हैबिटेट क्या है वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है द टाइप एंड क्वान्टिटी ऑफ एन एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी ग्रेटली इफेक्ट इट्स वाटर बैलेंस अमंग मोस्ट सिग्निफिकेंट वेस्ट आर द नाइट्रोजनस ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स सम एनिमल्स कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया टू लेस टॉक्सिक कम्पाउंड प्रायर टू एक्सक्रेशन के किसी भी लिविंग ऑर्गनिज़म में किस टाइप की और कितनी क्वान्टी में वेस्ट प्रोडक्ट होगी वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसमें वाटर बैलेंस क्या है वाटर कितना अवेलेबल है उसे सर्वाइवल के लिए और सबसे जो इम्पॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट लिविंग uh, ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो नाइट्रोजन वेस होते हैं जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होते हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं इन नाइट्रोजन वेस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं यानी अमोनिया प्रोड्यूस होता है लेकिन उससे वो अमोनिया जो है वो टॉक्सिक है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया या यूरिक एसिड में डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड देयर हैबिटेट अब फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन फेस इन लिविंग ऑर्गनिज्म कौन कौन सी हैं द एनिमल्स एक्सक्रीट नाइट्रोजन्स फेस इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर द अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड दीज डिफरेंट टॉक्सिसिटी एंड एनर्जी कॉस ऑफ प्रोड्यूसिंग दैम ठीक है कि अब लिविंग ऑर्गेनिजम जो हैं वो नाइट्रोजन फेस थ्री टाइप्स के प्रोड्यूस करते हैं कौन कौन से यूरिया और यूरिक एसिड और अमोनिया अब तीनों की टॉक्सिसिटी डिफरेंट है यानी अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और उसको प्रोड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए बॉडी से रिमूव करने के लिए सेकंड जो है वो यूरिया है और यूरिया एज़ कंपेयर टू अमोनिया जो है ये लेस टॉक्सिक है ज़्यादा देर तक बॉडी में रह सकता है और इसको प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए और लीस टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो है यूरिक एसिड और इसको प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल डिस्कस अमोनिया अमोनिया क्या होता है एनिमल्स दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट एज अमोनिया नीड एस एक्सेस्ड टू लॉस लॉट्स ऑफ वाटर के ऐसे एनिमल्स जिनको बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है फॉर एग्जांपल वो फ्रेश वाटर में रहते हैं तो उनमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है यानी अमोनिया तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है लेकिन वो अमोनिया को ही एक्सक्रीट कर देते हैं और दे रिलीज अमोनिया करॉस द होल बॉडी सरफेस और थ्रू गिल्स और अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं चाहिए कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं चाहिए पूरे बॉडी से यूनिसलर ऑर्गेनिज्म और जो एक्वेटिक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अमोनिया को रिलीज़ कर देते हैं बॉडी की सरफेस से और गिल्स से वाटर के थ्रू नेक्स्ट नाइट्रोजन इज यूरिया अब यूरिया जो है ये एज़ कम्पेयर टू अमोनिया लेस टॉक्सिक है ये ज़्यादा देर तक बॉडी में रह सकता है और इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए अमोनिया की निस्बत कम पानी चाहिए द लिवर ऑफ़ एनिमल्स मैमल्स एंड मोस्ट अडल्ट एम्फ़ीबियंस कन्वर्ट अमोनिया टू लेस टॉक्सिक यूरिया कि अब जो मैमल्स हैं और एम्फीबियंस वगैरह वो अमोनिया को एक और सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि यूरिया है और वो अमोनिया के नस्बत कम टॉक्सिक है ज़्यादा देर तक बॉडी में रह सकता है द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज यूरिया टू द किडनी where इट इज़ excreted। क्या ये जो यूरिया है ये लीवर में प्रोड्यूस होता है और ब्लड के थ्रू ये कहाँ चला जाता है किडनीज में और किडनीज इसे यूरिन में एक्सक्रीट कर देते हैं वाटर के साथ मिला के कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज़ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया रिक्वायर्स लेस वाटर दैन अमोनिया जो कन्वर्शन है अमोनिया की यूरिया में ये इसमें एनर्जी चाहिए होती है और ये यूरिया साइकिल के थ्रू ये कन्वर्शन होती है लीवर के अंदर और इसमें वाटर भी इसको रिलीज़ करने के लिए बॉडी से ज़्यादा चाहिए ये यूरिया साइकिल है जो लीवर में होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है ये मिल के सिट्रोलिन बनाते हैं और के साथ मिलकर सिट्रोलिन बनाते हैं और इस के बाद आर्जिनो सिंथेस जो एंजाइम है वो आर्जिनो सक्सीनेट बनाता है आर्जिनोसक्सीनेट से फ्यूमर रिलीज हो जाता है आर्जिनिन रह जाता है अब आर्जिनिन पे एक एंजाइम आर्जिनेस ऐड करता है और इसमें वाटर का मालिक्यूल एंटर होता है यूरिया रिलीज होता है और औनाथ जिसने ये साइकिल स्टार्ट करना था वो एज सच रह जाता है और फिर इसके साथ दोबारा से सिट्रोलिन मिलता है तो अब देखें इस साइकिल में क्या है रिलीज़ क्या हो रहा है यूरिया और ये साइकिल कहाँ पे हो रहा है लिवर में मैमल्स के द थर्ड सब्सटेंस विच इज़ प्रोड्यूस नाइट्रोजन स्वेस विच इज़ प्रोड्यूस इन एनिमल्स इज़ यूरिक एसिड अब यूरिक एसिड किस टाइप के लिविंग ऑर्गनिजम में प्रोड्यूस होता है जिनमें बहुत शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर होती है या टोटली ड्राई कंडीशन में रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेक्ट्स लैंड स्नेल्स एंड मैनी रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स मेनली एक्सक्रीट यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज़ रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक एंड डज नॉट डिजॉल्व रेडिलीन वाटर क्या यूरिक एसिड जो है वो नॉन टॉक्सिक होता है कंपेरेटिवली टॉक्सिक तो ये भी है लेकिन कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड यूरिया लेस टॉक्सिक है अब और वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होता इट कैन बी स्क्रीटिड एज पेस्ट विद लिटल वाटर लॉस के अब ये पेस्ट की फॉर्म में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में वाटर के साथ रिलीज हो जाता है बॉडी से और ये फिसिस के साथ रिलीज़ होता है इसके लिए किडनीज नहीं चाहिए रिलीज़ के लिए यूरिक एसिड इज़ मोर एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस दैन यूरिया और यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू यूरिया और अमोनिया तो प्रोड्यूस होता ही रहता है यूरिक यूरिया प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए और यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ये वाली जो एनर्जी है वो सिर्फ़ वही लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी यूटिलाइज़ करते हैं जिनको बहुत कम क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होता अवेलेबल होता है और अगर ये वाटर को रिलीज़ करेंगे तो वो ज़्यादा डेंजरस होगा इनके लिए अब ये डिफरेंट एनिमल्स का दिखाया हुआ है कि क्या क्या एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट्स हैं और कहाँ कैसे बनती हैं कि प्रोटीन्स जो हैं उनके ब्रेकडाउन से और न्यूक्लिक एसिड के, के ब्रेकडाउन से प्रोटीन के ब्रेकडाउन से अमीनो एसिड और अमीनो एसिड से फिर अमोनिया रिलीज होता है इसी तरह से डी और आर के अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है डी और आर उसमें नाइट्रोजन स्पेशज होती हैं उनका जब मेटाबोलिज्म होता है तो उससे भी अमाइनो ग्रुप एन रिलीज होता है अब ये अमाइनो ग्रुप जो है अमोनिया uh, में कन्वर्ट हो जाता है अगर प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो ये फ़ौरन ही उसे रिलीज़ कर देंगे और इसको रिलीज़ करने के लिए अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए एक ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए फ़ाइव हंड्रेड एम वाटर चाहिए और ये किस में प्रोड्यूस होता है मोस्टली इन एकटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग बोनी बोनीफिशिजिज़ अब सेकेंड टाइप की नाइट्रोजन वेस्ट जो मैमल मोस्ट एम्फीबियंस शार्क्स और कुछ बोनी बोनीफिशिज़ में होते हैं वो क्या है यूरिया अब यूरिया में दो माइनो ग्रुप्स हैं और ये एक सेम कार्बन के साथ अटैच हैं देखें एक अमोनिया है और इसमें दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कंपाउंड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके तो ये यूरिया है जो कि लिवर में बनता है इन ऑर्गेनिज्म के इसको रिलीज़ करने के लिए अमोनिया की नस्बत कम पानी चाहिए इसको रिलीज़ करने के लिए तकरीबन फाइव एम एल वाटर चाहिए एक ग्राम को सॉरी अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए 500 हंड्रेड एम एक ग्राम को रिलीज़ करने के लिए यूरिया को रिलीज़ करने के लिए एक ग्राम को रिलीज़ करने के लिए 5 एम वाटर चाहिए और सेकेंड इज़ लास्ट इज़ द यूरिक एसिड अब यूरिक एसिड किस में प्रोड्यूस होता है रेप्टाइल्स में जिसमें बर्ड्स होते हैं और इसके अलावा इंसेक्ट्स में और लैंड स्नेल में ये सारे के सारे टोटली ड्राई कंडीशन में रहते हैं तो अब इनमें जो यूरिया है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यूरिक एसिड जो है इसकी ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है और ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में रिलीज़ होता है और इसका पेस्ट बन जाता है और ये फीसिस के साथ रिलीज़ होता है और इसके वन ग्राम को रिलीज़ करने के लिए सिर्फ वन एम वाटर चाहिए तो ये थ्री डिफरेंट टाइप्स की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं नाइट्रोजनस वेस की इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स वो भी प्रोड्यूस होते हैं एक्सेस में तो वो रिलीज़ कर देते हैं यूरिन के साथ वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू रिलीज़ हो जाती है लेकिन चीफ प्रोडक्ट्स जो हैं वेस्ट वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स पे में डिवाइड किया गया डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दीज आर अमोनोटैलिक यूरियोटैलिक यूरिकोटेलिक और अमोनोटैलिक जो हैं ये स्पीशीज विच एक्सक्रीट इन देयर वेस्ट आर कॉल्ड अमोनोटैलिक एनिमल्स अमोनिया इज हाईली पॉइजनस एंड वाटर सोलबल एंड प्रोड्यूस बाई क्विक डिफियन ऑफ वाटर के अब ये जो अमोनिया प्रोड्यूस कर, करते हैं मोनोटैलिक कहलाते हैं वो ऑर्गनिज्म और अमोनोटैलिक एनिमल्स जो हैं इनके ब्लड में जो अमोनिया है वो हाईली पॉइजनस होता है फ़ोरन ही वाटर में डिजोल्व होकर बॉडी से बाहर इसको रिमूव किया जाना ज़रूरी होता है तो डिफियन के थ्रू फ़ौरन ही बॉडी से बाहर चला जाता है और ये ऐसे ऑर्गनिज्म में ए, मोनोटेलिक uh, हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं उन्हें प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है तो एक ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए फाइव हंड्रेड एम एल वाटर चाहिए नेक्स्ट इज द यूरोटेलिक यूरोटेलिक ऑर्गेनिजम और स्पीशीज विच एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया Urea is less than and less water. यूरिया इज़ लेस हार्मफुल दैन अमोनिया एंड रिक्वायर्स लेस वाटर के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिया रिलीज़ करते हैं जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था यू यूरिया कौन कौन वाले ऑर्गेनिज्म रिलीज़ करते हैं जैसे कि बोनी फिश हैं या फिर मैमल्स हैं तो एग्ज़ाम्पल्स में बोनी फिश आ गई एम्फीबियंस फिश काटलेजनस फिश मेमल्स और ह्यूमन तो अब ये जो यूरिया है ये अमोनिया की नस्बत जो है कम पानी चाहिए इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए और लेस टॉक्सिक है और इसके वन ग्राम को रिमूव करने के लिए फिफ्टी एम वाटर चाहिए नेक्स्ट इज द यूरिकोटेलिक स्पीशीज दैट दीड यूरिक एसिड एज अ वेस्ट आर कार यूरिकोटेलिक ऑर्गेजम यूरिक एसिड इज द लीस्ट पॉइजनस एंड लीस्ट सॉलीबल इन वाटर रिलेटिव टू अमोनिया एंड यूरिया के अब ऐसी स्पीशीज जो कि यूरिक एसिड रिलीज़ करती हैं उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं और यूरिया जो है यूरिक एसिड जो है वो लेस पॉइजनस है यानी वाटर में भी सॉलीबल नहीं होता ये या क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं और अमोनिया और यूरिया की नस्बत ज़्यादा देर तक ब्लड में रह सकता है और इसको रिलीज़ करने के लिए सबसे कम पानी चाहिए और ये किडनीज के थ्रू मैमल्स वगैरह में तो एक्सक्रीट हो जाता है लेकिन जिन एनिमल्स में ये प्रोड्यूस होता है फॉर एग्जांपल बर्ड्स हैं स्नैक्स हैं लिडसर्स हैं तो ये रिलीज़ होता है उनकी अनडाइजेस्टिड फूड के साथ ये फीसिस के साथ रिलीज़ हो जाता है और इसके अलावा ये इंसेक्ट्स में भी प्रोड्यूस होता है ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम टू डेज लेक्चर लाफिस